मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एसएसटी में, चैप्टर 19। सारे बच्चे निकाल लीजिए और पेज नंबर है आपका पेज नंबर 335। ओके, और चैप्टर का नेम है आपका निर्धनता एक चुनौती। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। निर्धनता किसी भी देश के लिए एक ऐसा अभिशाप है जहाँ जीवन निर्वाह कर पाना बहुत कठिन होता है। इसमें आपके बाल श्रमिक, निर्माण कार्यों में कार्य करने वाले लोग, ईंट भट्टों और घरों में काम करने वाली महिलाएं, भूमिहीन कृषि श्रमिक इत्यादि वर्ग के लोग सम्मिलित होते हैं। कौन? बाल श्रमिक, जो बच्चे जो है छोटे बचपन से ही काम करने लगते हैं, है ना, जो घर में काम, जैसे कि जो घर के निर्माण का कार्य होता है उसमें काम करते हैं, ईंट भट्टों में काम करते हैं, घरों में काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं, या फिर जिनकी कुछ कृषि नहीं होती है, ठीक है, यानी कि जिनकी कुछ जमीन ही नहीं होती, ऐसे भूमिहीन कृषि श्रमिक जो है वो निर्धनता के अंतर्गत आते हैं। रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और सड़कों पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, अपंग एवं लावारिस बच्चे, बड़े शहरों के फुटपाथ पर सोने वाला ठेला चालक और रिक्शा चालक, ढाबों और चाय की दुकान में काम करते छोटे छोटे बच्चे आदि, ये सब क्या है? ये सब निर्धनता, निर्धन की वजह से ये सारे बच्चे ये सब काम करते हैं। तो हमारे चारों ओर हम क्या देखते हैं? निर्धनता देखते हैं। देश का हर चौथा व्यक्ति गरीब है। योजना आयोग कि जुलाई 2013 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम कहें तो 2011 और 12 के अनुसार 270 मिलियन अर्थात आपके 27 करोड़ व्यक्ति भारत में निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतः इस प्रकार पूरे विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनता का संकेंद्रण है, जो इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। अब निर्धनता के दो विशिष्ट मामले हैं, क्या है? सबसे पहला है आपका शहरी निर्धनता। ये क्या है? 33 वर्षीय रामचरण जो है झारखंड में रांची के पास गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक मजदूर के रूप में कार्य करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक माह में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है और ये 6 सदस्य के परिवारों को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। जब देखिए, जब कभी जाने की उसको डेली रोजगार नहीं मिलता है, जब कभी उसको रोजगार मिल भी जाता है तो वह एक माह में 1500 रुपये कमाता है और उसके सदस्य कितने हैं उसके घर में? 6, जिनको चलाने के लिए इतने पैसे पर्याप्त नहीं होते हैं, जिसमें उसकी पत्नी जो है वो 6 माह से और 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे सम्मिलित हैं उसके परिवार में। उसे रामगढ़ के पास गांव में रह रहकर उसके बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन जो मजदूर पिता हैं वो अपने जीवन निर्वाह के लिए रामचरण और हजारीबाग में रह रहे उसके बड़े भाई पर आश्रित हैं, यानी कि रामचरण का एक बड़ा भाई है जो कि हजारीबाग में रहता है, तो इन दोनों पर ही निर्भर है। कौन? उनके माता पिता। तो रामचरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है, जो मिट्टी और ईंटों से बनी एक कामचलाऊ झोपड़ी है, और उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में जो है अंशकालिक यानी कि कुछ समय के लिए नौकरानी का कार्य करती है, जिससे उसे कितने रुपए मिलते हैं? वह 800 रुपए कमा लेती है। वह दिन में 2 बार दाल चावल का अल्प भोजन जुटा पाते हैं, यानी कि सिर्फ उनको थोड़ा बहुत दाल चावल खाने के लिए बस इतना ही उनके पैसों से आ पाता है, परंतु वह उन सबके लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होता। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक का कार्य करता है और वहाँ पर उसको 300 रुपये वह भी कमा लेता है, और उसकी 10 वर्ष की बेटी जो है छोटे बच्चों की देखभाल का कार्य करती है। इसमें उसे कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है इस कंडीशन में। उनमें से प्रत्येक के पास सिर्फ 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। इनके लिए नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने कपड़े पहनने योग्य नहीं रहते। उनके लिए जूते पहनना, विलासिता, ये सब क्या है? रामचरण के छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं क्योंकि उनको जो है पूरी तरीके से पोषित खाना नहीं मिलता है, और जब वह बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती है। ये तो है आपकी शहरी कंडीशन, यानी कि शहरी निर्धनता, ठीक है। इसके बाद में कहें तो ग्रामीण निर्धनता क्या है? लक्का सिंह जो है उत्तर प्रदेश में मेरठ के निकट एक गाँव में रहता है और उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए लक्का सिंह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे कार्य करता है। कृषि में कार्य अस्थायी होता है क्योंकि भाई जब मौसम के हिसाब से कृषि होती है तो उसमें कार्य स्थायी तो होता नहीं है, तब आय भी वैसी ही होती है। अतः कई बार उसे पूरे दिन की मजदूरी के बदले कितने रुपए मिलते हैं? सिर्फ 50 रुपए मिलते हैं, लेकिन प्रायः खेती में पूरे दिन मेहनत करने के बाद
उसे वस्तु के रूप में कुछ सब्जी, गेहूं, दाल जरूर मिल जाती है। और उसका जो 8 सदस्य वाला परिवार है, यानी उसके परिवार में 8 सदस्य हैं, उनके लिए वह 2 वक्त का भोजन भी अगर कहे तो नहीं जुटा पाता हमेशा। वह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है और उसके परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों से जलाने के लिए क्या करती हैं, लकड़ियां इकट्ठा कर जो है खेतों में चारा काटने में गुजार देती हैं। उसके पिता जो है तपेदिक के मरीज, यानी कि टीबी के मरीज हो गए हैं और चिकित्सा के अभाव में 2 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लक्का सिंह की माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका शरीर भी धीरे धीरे कैसा हो रहा है, क्षीण हो रहा है, यानी कि कमजोर होता जा रहा है। हालांकि गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय है, परंतु वहाँ पर लक्का सिंह वहाँ भी नहीं गया क्योंकि उसने 10 साल की आयु से ही कमाना शुरू कर दिया। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही आपके मुमकिन हो जाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए तेल, साबुन जैसी वस्तुएं एक विलासिता है। निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अगर हम अध्ययन करें, ग्रामीण निर्धनता भी और आपकी शहरी निर्धनता, अगर हम इन दोनों मुद्दा पर चर्चा करें तो सबसे मेन पॉइंट आपका भूमिहीनता, यानी कि भूमि की कमी, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा परिवार का आकार, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य यानी कि कुपोषण, बाल श्रम और असहायता, ये सारे किसके कारण, किसकी वजह से हुए हैं, निर्धनता की वजह से हुई हैं। ठीक है, तो अब भूमिहीनता क्या है। भूमिहीनता में गांव में साधारणतया भूमिहीन मजदूर ही निर्धन होते हैं जिनके पास भूमि नहीं होती है। ये समाज के उपेक्षित और अति पिछड़े वर्ग में आते हैं और इनकी आय जो होती है भूमिहीनता के कारण बहुत ही कम होती है। ये मौसमी बेरोजगारी का भी शिकार होना पड़ता है इनको, क्योंकि मौसम के हिसाब से इनको कभी जॉब मिलती है, कभी नहीं मिलती है। इसी दौरान इन्हें दूसरे कार्यों की भी खोज करनी पड़ती है। बेरोजगारी निर्धनता का मुख्य बिंदु होता है, जिसमें मजदूर की आय तो कम रहती है। ऐसी स्थिति में वह अपने परिवार की 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता और वह गरीब होता चला जाता है। परिवार का आकार भी, एक निर्धन व्यक्तियों का जो परिवार का आकार होता है वह बड़ा होता है। प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से आय जो होती है उनकी वो कम होती है, जबकि इसकी आय सीमित है और व्यक्ति बढ़ रहे हैं, यानी कि आय कमाने वाला एक है और उसका परिवार बढ़ता चला जा रहा है, जिससे कि सभी लोग का भरण पोषण करना क्या हो जाता है, असंभव सा हो जाता है और निर्धनता बढ़ती चली जाती है। फिर आपका निरक्षरता, जिन बच्चों के माता पिता शिक्षित नहीं होते हैं वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में असमर्थ होते हैं, इससे उनके बच्चे भी निरक्षरता के कारण बेरोजगार ही रहते हैं, क्योंकि जब वे बच्चे बड़े होते हैं तो वे रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते हैं और निरक्षरता के कारण उन्हें कोई अच्छी नौकरी तो मिलती नहीं है क्योंकि वे पढ़े लिखे नहीं हैं और वह भी क्या होते हैं, निर्धनती ही बने रहते हैं। फिर खराब स्वास्थ्य, यानी कि कुपोषण और खराब स्वास्थ्य भी निर्धनता का मुख्य कारण है। निर्धन व्यक्ति धन की कमी के कारण संपूर्ण पोषण वाला भोजन नहीं खा पाता और ना ही वह अच्छी चिकित्सा जाने की सुविधा ले पाता है। अगर वह बीमार हो जाए तो वह सही तरीके से चिकित्सा भी उसको नहीं मिल पाती। कुपोषण के कार्य उसकी जो कुपोषण, यानी कि उसको जब सही से खान पान नहीं हो रहा, उसको बीमार है और आप कुपोषण का शिकार हो गया है, तो उसकी जो काम करने की क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब उस कंडीशन में क्या होगा भाई, निर्धनता बढ़ेगी। बाल श्रम क्या है, निर्धनता के कारण ही छोटे छोटे बच्चे भी कार्य करना पड़ता है। भारत में इसके विरुद्ध कानून बनाए गए हैं, पर ऐसा फिर भी होता है, क्योंकि भाई घर में कमाने वाले लोग हैं ही नहीं तो बच्चों को कार्य करना पड़ता है, तो ये बच्चे कार्य करने के कारण विद्यालय नहीं जा पाते, जिससे बड़े पैमाने पर उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती और वह निर्धन ही रह जाते हैं। फिर है आपका असहायता, निर्धनता के कारण लोग असहाय होते हैं, जिससे उन्हें कम वेतन पर भी कार्य करना पड़ता है। मान लीजिए जब उनकी मजबूरी है तो लोग उनका फायदा भी उठाते हैं, उनको कम वेतन पे उनसे ज़्यादा काम लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कभी भी निर्धनता के चक्र से वे बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है। ठीक है, तब तक आप लोग क्या करेंगे, चैप्टर में आपका ये चैप्टर तो हो गया है, वैसे तो रिवीजन चल रहा है आपका, उसमें आप लोग NCERT के ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है, प्लस ये कुछ क्वेश्चन है आपके, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है, 1973 में आपकी निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। इन क्वेश्चंस को आप लोगों को पढ़ना है और लर्न करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।